कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग, सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रजाक जांबहक, लाश अस्पताल मुंतकिल, वकला का एहतजाज, अदालतों का बॉयकॉट, वजीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, अब्दुल रजाक एडवोकेट के जांबहक होने पर इजहार अफसोस, आईजी से रिपोर्ट तलब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर का टैक्सों में कमी का मुतालबा, वजीर आजम की टैक्सों से मुतालिक तहफ़ुज़ात दूर करने की हिदायत, आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाने के इकदाम पर जोर, वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा, वज़रा आला और वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे, नए माली साल के तरक्याती प्लान और माशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत आज होगी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 9 मई के बाद पंजाब भर में 53 अफराद नजरबंद हैं, लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई, रिपोर्ट आईजी लीगल की जानब से पेश की गई, बताया गया 3055 अफराद को नजरबंद किया गया था, पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की दरख्वास्त पर नजरबंद अफराद की तफसीलात जमा करवाई गई हैं। लाहौर में बड़की रोड पर 1.5 करोड़ की बैंक डकैती की फुटेज सामने आ गई, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वारदात में डाकुओं को बैंक में दाखिल होते और गार्ड पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है, पहले से मौजूद डाकुओं ने साथियों के आने पर गार्ड से गन छीन ली, 2 डाकुओं ने पी कैप और मास्क पहन रखे थे।